सुंदर दिखना, यंग दिखना दोस्तों हर कोई चाहता है, कोई नहीं चाहता कि हम बूढ़े हों, बीमार हों। तो इसके लिए दोस्तों आंवला खाना चाहिए जी। आंवला लोग पाउडर बनाकर खाते हैं, आजकल बॉटल में जूस मिलने लगा है, लेकिन जब सीजन आए दोस्तों तो हमें ताज़ा आंवला खाना चाहिए। आंवला खाने के यूँ तो दोस्तों बेहद सारे तरीके, लेकिन मैं आंवले के अचार की रेसिपी शेयर करूँ। अचार ऐसी चीज़ है जो सबको अट्रैक्ट करता है, खाने का स्वाद बढ़ाता है, और ऐसा अचार जो खाने के स्वाद के साथ हमारी सेहत का भी बिल्कुल ख्याल रखे, हमें सुंदर दिखे, यंग रहने पे बिल्कुल हमारी हेल्प करे, तो ऐसी चीज़ को खाना तो बनता ही है ना। तो दोस्तों आज हम आंवले का अचार डाल रहे हैं। आंवले देखिए मैंने लिए आधा किलो करीब, आप आंवले लें, ज़्यादा भी ले सकते हैं। तो इस तरीके से देखिए फ्रेश आंवले हैं, थोड़े से आप देख रहे हैं हल्के हल्के निशाने, मामूली सी बात है, और ये बड़ी जाहिर सी बात है, ऐसे मिलेंगे आपको आंवले, आप अच्छे से धो लें। और हम चाहते हैं इनको थोड़ा सा इनके बीज वगैरह निकाल लें, तो इसके लिए आप क्या करें, इनको हल्का सा गर्म पानी में सोख करके रखना होगा। मैंने पानी लिया, उसमें एक चम्मच नमक ऐड किया है, इसे मैं गैस पर रखकर गर्म कर रही हूँ, और इसमें मैं आंवले डाल रही हूँ। आप पानी उतना लें जितने की आंवले डूब जाएं, बहुत ज़्यादा पानी ना लें, बस आंवले डूब जाए इतना पानी लेना है। तो आधा किलो ज़्यादा भी ले सकते हैं, तो 600-700 ग्राम आंवले हैं, इन्हें मैं डुबो रही हूँ गर्म पानी में। उसमें पानी गर्म हो रहा है धीरे धीरे, जैसे ही पानी में बॉयल आ जाएगा हम गैस को बंद कर देंगे। हम नहीं चाहते हमारे आंवले अच्छे से उबल जाएं, हम इन्हें इतना गलाना चाहते हैं कि जब हम इन्हें दबाएं तो इनका बीज जो है, इसके अंदर का सीड है, वो आराम से बाहर आ जाए और इसकी फांके निकल आए। देखिए पानी में बॉयल आना स्टार्ट हो गया, मैंने सिर्फ नमक ही ऐड किया था। अब मैं गैस को बंद कर रही हूँ और मैंने ढक्कन लगा देना है, जैसे ही बॉयल आएगा गैस बंद कर देंगे और ढक्कन लगा के इसे 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे। 15 मिनट में हमें जितने आंवले गलाने उतने गल जाएंगे, ओवर कुक नहीं करना है, क्योंकि अचार में थोड़ा सा क्रंच होना बहुत जरूरी है। 15 से 20 मिनट से आंवले मैंने ढककर रखे हुए थे गर्म पानी में, पहले पानी में बॉयल बंद कर दिए। अब देखते हैं आंवले, देखिए सॉफ्ट लग रहे हैं, देखने से ही लग रहा है कि ये बहुत अच्छे से कुक हो गए हैं, गल गए हैं जितने हमें पकाने चाहिए थे। आप इस तरह से चेक कर सकते हैं, हाथ से दबाकर देखिए, देखिए ये एकदम से आंवला टूट नहीं रहा है, थोड़ा सा प्रेशर देने के बाद इसकी फांकी अलग हो रही है। इतना ही आप गलाएं और सारे आंवले आप पानी से निकाल लें। दोस्तों ये जो पानी से मैंने आंवले निकाल लिए, इसका पानी देख सकते हैं आप अलग रख लिया, ये बड़ा ही नया पानी है, आप इसे यूं ना फेंके, बहुत ही गुण है इसमें आंवले के। और आंवला कहते हैं सियाने, जैसे हमारे बड़े कहते थे, आंवले का खाया सारा साल क्या हमें जिंदगी भर याद रहता है। आप इस पानी को यूं भी पी सकते हैं आंवले के सूप की तरह, मुझे बहुत डिलीशियस लगता है, मैं तो यूं ही पी लूंगी गर्म करके। आप इसमें ठंडा करके थोड़ी चीनी मिक्स करके इसको शरबत की तरह भी पी सकते हैं, नहीं तो इससे दाल बना सकते हैं, आटा गूंथ सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, अचार डाल लेते हैं। देखिए आंवले मैं अब क्या करूंगी, सभी आंवले मैं सीडलेस बना लूंगी, इसमें से सीड निकाल लेंगे और इसकी फांके हम एक एक फांक कर लेंगे अलग, हम बड़े पीस नहीं निकालेंगे। तो इस तरीके से आप बीज निकाल लीजिए आंवले का, और इसकी इस तरह से सारी फांके आप निकाल लीजिए, बहुत मजा आएगा ऐसा करने में, कोई ऐसे थकान वाला भी काम नहीं है। आप आंवले का अचार जरूर डालें, जब सर्दी का सीजन आता है, आंवले आते हैं दोस्तों, तो आप अचार जरूर डालें। हम यूं तो अच्छी चीजें नहीं खाते, हम दवाइयां और टेबलेट्स खाने में ज्यादा करते, लेकिन इस तरह से हम घर पर ही रहकर कोई अच्छी चीजें घर पर बनाकर अपनी सेहत का सारा साल ख्याल रख सकते हैं। देखिए मैंने आंवलों को सबको बीज निकाली और अलग अलग एक ही फांक करिए, बड़े पीस ना करें, कई लोग अचार खाते हैं आधा और छोड़ देते हैं, हमें बहुत गुस्सा आता है, उससे पहले ही आप छोटे पीसेस निकाल लें। दोस्तों मैं इस आंवले के अचार में थोड़ी सी हरी मिर्चें ऐड कर रही हूँ, हरी मिर्च, कई लोग आंवले का अचार नहीं खाते लेकिन हरी मिर्च का अच्छा लगता है, तो हरी मिर्च अट्रैक्शन के लिए है कि जो लोग आंवले का अचार देखेंगे नहीं खाने का मनाएगा, लेकिन हरी मिर्च उन्हें अपनी ओर खींच लेगी। अगर आप हरी मिर्च नहीं ऐड करना चाहते तो इस रेसिपी में आप 1 बड़ा चम्मच पीसी हुई लाल मिर्च इस्तेमाल करें। मैं लाल मिर्च नहीं यूज कर रही, हरी मिर्च ऐड कर रही हूँ, क्योंकि टेस्ट भी देगी, कलर भी देगी, खुशबू भी देगी और लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट भी करेगी। तो आप 1 से 1.5 कप कटी हुई हरी मिर्च ले लें। मैं दोस्तों अचार में जो जो मसाले चाहिए, जैसे कि मुझे सौंफ चाहिए, तो मैं 2 बड़े चम्मच सौंफ ले रही हूँ। इस मसाले में दोस्तों ज्यादा क्वांटिटी सौंफ की रहेगी, बाकी चीजें इससे आधी क्वांटिटी में हम इस्तेमाल करेंगे। 1 बड़ा चम्मच मैं ले रही हूँ राई का, ये बारीक वाली राई है, इससे बहुत ही अच्छा जायका आता है अचार में, तो जरूर ऐड करें। जीरा ऐड करेंगे, देखिए जीरे से भी बहुत अच्छा हाजमा रहता है, खुशबू अच्छी आएगी। तो अचार में मैं 1 बड़ा चम्मच राई, 1 बड़ा चम्मच जीरा ऐड करी, और देखिए सौंफ 2 बड़े चम्मच है, 1.5 से 2 चम्मच बड़े आप सौंफ कर लें, बाकी चीजें आधी लें। 1 बड़ा चम्मच मैं साबुत धनिया ले रही हूँ, और साथ में दोस्तों हमें चाहिए होगी हींग भी, हींग से बहुत अच्छी खुशबू आएगी, तो आप 1/2 टीस्पून से 1 टीस्पून हींग आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। हल्दी ऐड करेंगे 1 बड़ा चम्मच, दोस्तों हल्दी से कलर खुशबू तो आएगा लेकिन ये प्रिजर्वेटिव का भी काम करती है अचार में। नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें, 1.5 बड़ा चम्मच ऐड कर सकते हैं। अचार बनाने के लिए मैं सरसों का तेल यानी मस्टर्ड ऑयल इस्तेमाल कर रही हूँ। कोई भी अचार आप डालें तो सरसों के तेल में ही डाला जाता है। सरसों के तेल को इस्तेमाल करने के से पहले एक बार पहले तपा लें, ठंडा करें, फिर इस्तेमाल करें। तो सब जो मसाले इस्तेमाल करें उन्हें हम दरदरा कूटेंगे, तो दरदरा कूटने से पहले उनको हल्का सा गर्म कर लेते हैं, भूनना नहीं है, हल्का सा गर्म करना ताकि वो थोड़े कड़क हो जाए, और जब उन्हें पीसें हम
तो बड़े आसानी से पिस जाए मिक्सी में, थोड़ा सा उनके अंदर मॉइस्चर है तो ड्राई हो जाए। तो देखिए सभी चीज़ें मैं पैन में डाल रही हूँ उन्हें, अभी मैंने पैन में तेल लगी कुछ नहीं डालना है, हम इन्हें सिर्फ ड्राई रोस्ट करेंगे और हल्के से जैसे ही गर्म हो जाएंगे मिक्सर में हम डालेंगे और पीस लेंगे। मसाले थोड़े गर्म हो गए, इनमें से थोड़ी सी आवाज़ भी आ रही है, तो चलिए अब इन्हें पीस लेते हैं। मैंने डायरेक्टली डाल रही हूँ ब्लेंडर जार में, जो हमारा ड्राई इंग्रेडिएंट पीसने वाला जार रहता है मिक्सी का, जनरली वो स्टील का रहता है, तो इसमें मैं इसे डाल रही हूँ और पीस लूंगी। आप इन्हें बहुत बारीक ना पीसें, दरदरा कूटें। अगर आप इन्हें दोस्तों पीसना नहीं चाहते हैं, साबुत इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो साबुत भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए मैंने इन्हें दरदरा कूट लिया मिक्सी में और इस तरीके से ये बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, हमारा मसाला बिल्कुल बनकर रेडी है और इससे हम अचार बनाएंगे, बहुत ही खुशबूदार बेहतरीन सा। इसमें हींग है, जीरा है, जो कि जो भी आप हैवी खाना खा लेंगे ना वो हजम कर देगा, और आंवला तो वैसे ही बहुत ही फायदेमंद है। अभी दोस्तों मैं कढ़ाई में ले रही हूँ तेल 1 कप के करीब, आप ज्यादा तेल ना लें अचार डालने के लिए, बाद में हम ऊपर से तेल ऐड करेंगे। आप खूब सारा तेल पहले गर्म कर लें, तपा लें और फिर थोड़ा सा आप निकाल लें, ताकि हम ऊपर से जब अचार जब ठंडा हो जाए तो ऊपर से हम ऐड करेंगे। देखिए मैंने तेल गर्म खूब सारा किया था, मैंने काफी सारा निकाल लिया है, 2 कप के करीब मैंने निकाल लिया और 1 कप मैंने अभी कढ़ाई में छोड़ दिया है। अब इसे बहुत गर्म करने के बाद मैं हल्का सा थोड़ा सा इसे इसका टेम्परेचर नीचे ला रही हूँ, ताकि जैसे हम इसमें मिर्च डालें तो जल ना जाए। देखिए मैंने अब इसमें थोड़ा सा गैस को कम कर दिया है और अब मैं इसमें डाल रही हूँ मिर्चें। आप पहले तेल में हरी मिर्चें डालें और इन्हें थोड़ा सा फ्राई करें अच्छे से, ताकि इनका कड़वापन चले जाए और खाने में अच्छी लगे, ज़्यादा स्वाद लगे। देखिए मिर्चें मैं कम आंच पर अच्छे से कुरकुरी कर रही हूँ। अगर आप हरी मिर्च नहीं ऐड करना चाहते तो आप तेल में सूखे मसाले डालें और फिर डालें आंवला, तो इसी प्रोसीजर को आप फॉलो करें। देखिए हमारी मिर्च जो है कुरकुरी होनी स्टार्ट हो गई है और आंच को मैंने कम रखा हुआ है। अब दोस्तों इसमें मैं सूखे मसाले जो हमने पीस कर रखे थे, जैसे कि सौंफ और जीरा, धनिया, हींग और राई, इन्हें अब मैं ऐड कर रही हूँ। इन्हें दोस्तों हम कम आंच पर ही भूनेंगे, ताकि जीरे का कच्चापन, धनिया का कच्चापन और हींग का कच्चापन चला जाए और जो मसालों की जो अपनी खुशबू है वो आ जाए। तो देखिए जैसे ही आप तेल में मसाले ऐड करेंगे पूरा घर खुशबू से भर जाएगा। अब मैं इसे बस 1 से 2 मिनट ही चलाऊंगी, आंच को तेज नहीं करेंगे। और हल्दी भी मैं 1 चम्मच के करीब ऐड कर रही हूँ, और अगर आप हरी मिर्च नहीं ऐड करेंगे तो आपको 1 चम्मच लाल मिर्च भी ऐड करनी पड़ेगी। हल्दी भी दोस्तों अच्छे से भून गई है, सब कच्चापन चला गया, 1 से 2 मिनट ही भूना है, ज्यादा नहीं। अब मैं इसमें आंवले ऐड कर रही हूँ। दोस्तों आंवले हमने पहले से ही गर्म पानी में सोख करके रखे थे, जिससे कि ये अच्छे से गल गए हैं, हमें इन्हें ज्यादा नहीं गलाएंगे। मैं बहुत देर तक इसे कढ़ाई में अगर भूनती होंगी तो हमारे आंवले जो है ओवर कुक हो जाएंगे, तो अचार पड़ा पड़ा भी गल जाता है। अगर हम अभी सारा अचार गला लेंगे तो खाने में उतना टेस्टी नहीं लगेगा। आप मसाले में डालें आंवले, साथ में डालें नमक और इन्हें 2 मिनट तक तेज आंच पर भून लें और फिर गैस को बंद कर दें। तो देखिए मैं अच्छे से इसे 2 मिनट तक तेज आंच पर भूनूंगी और फिर गैस को बंद कर दूंगी। 2 मिनट तक आप जरूर तेज आंच पर भूनें। अगर आपको लग रहा है आंवलों में पानी है तो आप उन्हें ज्यादा भूनें, ताकि बिल्कुल भी पानी ना रहे। अगर अचार में पानी होगा तो भी अचार खराब हो जाता है। तो आप इसे अच्छे से तब तक भूनें जब तक आप लगे बिल्कुल ड्राई हो गए। तो देखिए अच्छे से हमारा अचार बिल्कुल पक गया है। मैंने इसे 2 मिनट ही भूना, क्योंकि मैंने छाननी में आंवले डालकर रखे हुए थे, सारा पानी ड्रेन हो गया था, वो ड्राई थे। तो देखिए बहुत अच्छे से हमारे आंवले का अचार बनकर रेडी है। मैंने गैस को भी बंद कर दिया। अब चलिए इसे निकाल लेते हैं दूसरे बर्तन में। तो देखिए आंवले का अचार हमारा बिल्कुल बनकर रेडी है और इस पर मसाला बहुत अच्छे से लिपटा हुआ है। अगर आप पहले तेल ज्यादा डाल देंगे तो मसाला नहीं चिपक पाएगा, तो आप चाहें तो इसे अभी भी खा सकते हैं, अभी हल्का हल्का गर्म है। जैसे ही ठंडा होगा मैं इसमें तेल ऐड करूंगी, इसे बर्नी में भर लूंगी। अगर आप कम अचार बना रहे हैं और चाहें तो बिना ज्यादा तेल ऐड के यूं बना लें और फ्रिज में रखकर स्टोर करें। अगर आप ज्यादा टाइम के लिए बनाना चाहते हैं तो इसमें खूब सारा तेल ऐड करें। आप तेल को तपा लें पहले, ठंडा करें, ऐड करें, नहीं तो डायरेक्टली आपको लगता है आप यूं भी खाते हैं तो आप यूं भी ऐड कर सकते हैं ऑयल को। मैंने इसमें खूब सारा ऑयल ऐड कर दिया और इसे बर्नी में भर लूंगी। हमारा अचार बिल्कुल रेडी है। मुझे पूरी उम्मीद है दोस्तों आपको यह अचार की रेसिपी अच्छी लग रही होगी, आप कह रहे होंगे फटाफट बनाएं। और आपने पहले कभी आंवले का अचार नहीं डाला, जरूर डालिएगा दोस्तों। इसलिए नहीं कि सिर्फ टेस्टी है, बल्कि आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, आपकी सेहत की अच्छे से हिफाजत करेगा, आपको सर्दी जुकाम से बचाएगा। तो देखिए हमने आंवले के अचार को मैंने भर लिया बर्नी में और इसे अच्छे से तेल से डुबो दिया है। तेल नहीं होगा तो अचार जल्दी खराब हो जाएगा। तो तेल खूब सारा डालें, अच्छे से स्टोर करें और रोज खाएं चटपटा अचार। स्वाद के साथ साथ सेहत का भी ख्याल रखें। अगली बार फिर मिलूंगी नई रेसिपी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।